मोदी जी ने समय खुद को दिया, पैसे पे ध्यान नहीं दिया, पूंजीपति होते 14 साल खुद को दिया भगवान बन गए। वो भी तो कह सकते थे कि पापा हमारे रो रहे हैं। कौन है इस ब्रह्मांड में जिसके घर में दिक्कत नहीं है? तुम्हारे तरीके में कमी है। समय खुद को दो, पैसा दूसरों को दो। जो पैसों के लिए अपना समय बेचता है वो मजदूर, और राजा कौन जिसके लिए टाइम कीमती है। अपना समय किसी को मत दो, 2 घंटा जीवन में खुद को दो। समय खुद को दो, देश की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। समय यानी भगवान, और जिसने भगवान का सम्मान नहीं किया वो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। जो समय को कीमती नहीं मानता। मेरे कोलीग एक बार हमसे कहा, यार तुम पढ़ाते नहीं हो। हमने कहा जितने लड़कों को पढ़ाए हो बुला लाओ उनको, 5 सवाल पूछेंगे, अगर वो 5 में से 3 बता दिए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, और नहीं तो तुम छोड़ देना। नहीं नहीं ये बात नहीं है, यही बात है। तुम पढ़ा बहुत अच्छा रही हो, तो मैं मान ही रहा हूं, तुम्हारे पढ़ाने में कमी कहां है। मैं तो मानता, मैंने किसी टीचर के बारे में आज तक यहां कहा, मैंने हमेशा कहा कि सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सब कोचिंग अच्छा पढ़ाती। तुम मेरा कोई एक वीडियो लाके दिखा दो जब वहां मैंने कुछ कहा हो किसी टीचर को। वो मेरा मुद्दा ही नहीं है ना, मुझे कुछ बातें क्लियर है। एक रेखा से बड़ी रेखा बनानी है तो उससे बड़ा बनना पड़े, अपने ऊपर काम करना है, खुद पर। जो अपने आप को समय नहीं दे पाता वो मजदूर, जो पैसों के लिए अपना समय बेचता है वो मजदूर, और जो अपने आप को समय देता है, 2 घंटा ध्यान किए, 2 घंटा योग किए, 2 घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज वगैरह किए, 5 घंटा हो गया, तो 5 ये घंटा कौन निकालेगा? जिसके पास पैसा है। तभी तो मैं तुमसे कहता हूं कि कम से कम 2 घंटा जीवन में खुद को दो। जो तुम गुरुदेव खड़े होकर 4 घंटा चाय पीते हो वो तुम नहीं जोड़ते हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है। जो अपने आप को सबसे ज्यादा समय देगा, राम जी ने दिया 14 साल खुद को दिया, भगवान बन गए। बिना समय दिए भगवान बन गए? 14 साल खुद को दिया, खुद को, कोई तैयारी वैयारी कुछ नहीं। वो भी तो कह सकते थे कि पापा हमारे रो रहे हैं, मम्मी बहुत परेशान है, और छोट भाई हमारे जो घर में रहते नहीं है, भरत बेचारे बहरे रहते हैं। तो लोग आके हमको बताते हैं ये सब बातें, ऐसा हो गया और ऐसा है। अरे भैया तुमको पढ़ना है? हाँ। तो रामचंद्र जी के घर में भी तो समस्या है, उनका छोटा भाई बाहर रहता है कि जब तक भैया नहीं आएंगे हम घर में नहीं आएंगे। उनकी तीनों माँ लोग परेशान हैं, रो रही हैं दिन भर की हमारा बेटा जंगल चला गया, बाप बेचारे बुलाते बुलाते मर गए, उनके घर में दिक्कत नहीं है? कौन है इस ब्रह्मांड में जिसके घर में दिक्कत नहीं है? पर ये तुम्हें सोचना है, तुम्हारा सपना है। 20 साल उम्र अगर है और आय का साधन नहीं है तो पहले आय का साधन बनाओ। रहोगे कैसे, खाओगे कैसे? किताबें, न्यूज़पेपर। अब वो 1970 का जमाना नहीं है जब लोग सतुआ पी के जी लेते थे, तब बाजार नहीं थी, तो बाजार में ऑक्सीजन भी बिकता है। सोचो बाजार की कितनी कीमत है, दिल बेचते हैं, वो बनाते नहीं उस पे आर्चीज वाले शॉप पे, दिल बना के बेचते नहीं, 14 फरवरी को लग दे देते हैं, असली बच्चा नहीं, असली में दम ही नहीं है तो नकली लेके चले गए। हर चीज वाली दुकान में मिलता है, ये वाला तो ना दे पाएंगे, है ही नहीं, वो कमजोर बहुत है।
डिप्रेशन में आ जाएंगे, तो नकली लेके चले गए। वो तो कहो कि मन कोई खरीदना नहीं चाहता, नहीं तो वो भी बना के बेच दे। पूंजीवाद कहता है जो भी बिक सकता है उसको बेचो। तुम देखो कुछ लोगों को नींद नहीं आती, वो रात में किसी से बात करना चाहते हैं, उसकी भी टेलीकॉलर से नहीं है। अरे तुम्हें नहीं पता? अरे यार तुम यार बड़े इंदस वैली से आ रहे हो तुम, हिंदी न्यूज़पेपर उठाओ तो कितना ऐड रखा है मीठी मीठी बातें करे। अरे यार ऊंची बात कहता है कि जो भी चीज बिक सकती है तो बेचो। पूंजीवाद इसीलिए अमेरिका किसकी गोद में पैदा हुआ? कैपिटलिज्म की। इसीलिए तुम अमेरिका जाओगे तुमको लगा यार यहां तो कोई इथिकल है ही नहीं। मतलब जिस दिन तुम लास वेगास पहुंच गए और तुम शुद्ध मुसलमान हो, शुद्ध हिंदू हो, शुद्ध जिसमें बोर्ड नहीं लगा रहे थे, शुद्ध शाकाहारी भोजन जिसमें 6 दिन पुरानी दाल है, शुद्ध शाकाहारी। जिस दिन तुम लास वेगास पहुंच गए तो दो बातें होंगी, या तो तुम्हारी शुद्धता खत्म हो जाएगी और या तुम वहीं बगल में समंदर में जाके कूद जाओगे। भारत, सऊदी अरेबिया, चीन, इन लोगों को अमेरिका से क्या दिक्कत है? वो पूंजीवाद की गोद में पैदा हुआ है। वो कहता है सबसे ज्यादा क्या बिक सकता है? बोले सेक्स, मतलब बेचो। फ्रॉइड को ले आए, बेचो यार, इतनी इथिक्स, इतनी मॉरालिटी क्यों लगा रहे हो? अब इस देश में तो ये सब कहा करा रहे हो भैया? अब इस देश के आदमी को समाज में अच्छा भी बनना है। इसी द्वंद में ये परेशान है। ये तो छोटी छोटी सिंपल सिंपल किताबें हैं, क्यों नहीं समझ में आएंगी? क्यों नहीं आएंगी? एनसीईआरटी नहीं समझ में आएगी? ये संभव है कि जो आदमी आईएएस की तैयारी कर रहा है, 22 साल जिसकी उम्र है, उसको एनसीईआरटी ना समझ में आए कि ये क्या कहना चाहती है? कि सिर्फ एकमात्र वजह है तुम सोचना नहीं चाहते हो। तुम क्यों सोचोगे? तुम्हारे पास कहां सोचने का टाइम है? तुम्हारे पास तो मजा आ रहा है तुमको कि बुलडोजर चल रहा है यूपी में, फलाने का घर गिराया जा रहा है, ये सब तो राजकाज है, चलता रहेगा। अपना समय किसी को मत दो फालतू में। सो पर अपना समय किसी को मत दो फालतू में, पैसा दे दो। लेकिन इस देश का आदमी पैसा देने को तैयार नहीं है। 501 रुपए कोर्स में एक साहब हमसे कह रहे थे कि अरे भारे जानकार है, अच्छे हैं, मियां बीवी दोनों नौकरी करते हैं, और फोन किए हमसे कहे हमारे बेटे को कोर्स दे दीजिए। मैंने कहा ले लीजिए वो तो अभी। कहे नहीं, अरे अब हमसे पैसा लोगे? लो, तुम सांस ले रहे हो ना? ये देश की तो कुछ बेसिक कमियां है। कहता साहब मैं चाहे जितना ले लो, पैसा ना लो भैया। मोदी जी ने समय खुद को दिया, पैसे पे ध्यान नहीं दिया। पूंजीपति होते किसी मॉल के मालिक होते, समय खुद को दिया। प्रधानमंत्री ये देखो, ये बात क्लियर हुई ना? पिक्चर क्लियर हुई? बजाओ ताली, बजाओ ताली। इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। कितनी बार पढ़ के गुजरे होगे तुम एनसीईआरटी से, तुमने सोचा ही नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगाया होगा। तुमने सोचा ही नहीं हो, क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगाया होगा यार। बालाजी ने ऐसा क्या कर दिया होगा यार?
तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगे, कोचिंग जाओगे, यूट्यूब पर जो एनसीईआरटी ये मॉडर्न इंडिया वाली है ना विपिन चंद्रा, इसका पहला चैप्टर फ्री पढ़ा हुआ है। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं 5 बजे वो पूरा अपलोडेड है उस पर, वहां से पढ़ लो। बाइलिंगुअल वो भी है, वहां से पढ़ लो, पढ़ो जाके आज तुम्हें मजा आएगा। कितनी बार भी इसको पढ़ोगे अभी क्वेश्चन पूछ लूंगा बता नहीं पाओगे, गारंटी। तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारी अप्रोच में कमी है, तुम्हारे तरीके में कमी है। देखो मैं क्लास में आया हूं, मेरे पास मोबाइल नहीं है, क्योंकि मोबाइल मेरे पैसे कमाने में बाधा पैदा कर रहा है, मेरा कंसंट्रेशन भंग कर रहा है, मुझे फालतू उलझा रहा है। मैं मोबाइल देख के दूसरों को पैसा कमवा रहा हूं, और कमाना मुझे भाई मोबाइल देखोगे तो दूसरे से के सब्सक्राइबर हो जाओगे, दूसरे की व्यूअरशिप बढ़ा दोगे, दूसरे को टाइम दे दोगे। सोचो, तुम्हें लगता है कोई पैसा थोड़ी लग रहा है? मजदूर मजदूर पता क्यों है? क्योंकि मजदूर को लगता है कि टाइम को कोई कीमत नहीं होती। मजदूर कौन? जिसके लिए पैसा कीमती है। और राजा कौन? जिसके लिए टाइम कीमती है। और टाइम हर आदमी के लिए कीमती नहीं है। देखो चाय भाई की दुकान पे 6-6 घंटा बैठे हैं लोग, 6 घंटा। इलाहाबाद में कैसे बम चला यार, बहुत सामने से मारा भैया, उसी में डिस्कशन हो रहा है। अभी कोई हत्या हुई है ना, किसकी? अच्छा जो भी हो, इतना बड़ा राज्य है, एक आध आदमी तो जाएगा ही दिल्ली, इतनी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा राज्य है तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन डिस्कशन चल रहा है। एक भाई साहब हमको फोन किए कंट्री के बाहर से, कहां हो? हमने कहा दिल्ली में, कहीं तुम्हारे इलाहाबाद में हत्या हो गई। मैंने कहा मैं क्या करूं? नहीं नहीं, तुमको पता चला? इस देश से 10,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं जाहिल। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो जहां शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। जब तुम कोई काम कर रहे हो बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। जिन पर जो तुम काम कर रहे हो बस एक पॉइंट ले आओ कि यार मैं यहां क्यों खड़ा हूं चौराहे पे, मैं क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों संप्रदायवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों? अपना विकास करो, प्रति सेकेंड, प्रति घंटा, प्रति मिनट। बहुत छोटा सा सूत्र बता रहा हूं, बहुत छोटा सा, उसने मुझे बहुत फायदा किया। समय खुद को दो, पैसा दूसरों को दो, सबसे छोटा सूत्र है ये। इससे बड़ा सूत्र ही नहीं है डेवलपमेंट का। लोग क्या कर रहे हैं? पैसा खुद को दे रहे हैं, समय दूसरों को दे रहे हैं। नौकर कौन? जो अपना समय बेच रहा है। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, वॉक कराओ। शरीर की शक्ति बढ़ी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, कोई हिस्टोरिकल नॉवेल पढ़ लो, कहीं तो ज्ञान बढ़ा। नहीं पढ़ रहा है, गुरुद्वारे चले आओ, सेवा कर दो, गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में झाड़ू लगा दो। मन की निर्मलता वाली, समय खुद को दो। सबसे छोटा सूत्र है, और जितना समय खुद को देते जाओगे उतने ताकतवर बनते चले जाओगे।
तुम अगर बहुत करीब से अपना मूल्यांकन करो, बहुत करीब से अगर इंट्रोस्पेक्शन करो अपना, तो समय ही नहीं दे पा रहे हो। समय यानी भगवान। पश्चिम कहता है टाइम इज मनी, मैं कहता हूं टाइम इज गॉड। वेस्ट कहता है पश्चिम, वेस्ट कहता है टाइम इज मनी, मैं कहता हूं टाइम इज गॉड। और जिसने भगवान का सम्मान नहीं किया वो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। तुम राजा बनना चाहते हो, तुम्हारा समय कहां जा रहा है बस उस पर ध्यान रखना। जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर हैं, किसी को भी दे देते हैं क्योंकि उनके लिए समय की कीमत ही नहीं है। नहीं पढ़ने का मन कर रहा, योगा करो, एक राउंड शहर का पूरा मार दो, तब भी तो शक्ति बढ़ रही है, कोई जरूरी है पढ़ना। तुम देखो, जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर है। चलो नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं पढ़ रहे हो तुम नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन तुम जिम चले गए, तुम एक राउंड शहर का मार लिए, घूम लिए, तुम कोई हिस्टोरिकल नॉवेल पढ़ लिए, गिटार बजाना सीख लिए, तो कुछ तो डेवलप हो रहा है ना। लेकिन तुम नहीं पढ़ रहे हो और चाय की दुकान पे खड़े हो 5 घंटा, और डिस्कस कर रहे हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो गलत कह रहे हैं और ठीक नहीं है। अरे कह दिया उन्होंने, उनकी मर्जी है बेचारे, उनकी कुछ होगी बात, ने बड़े नेता हैं, कुछ ना कुछ सोच के कहा होगा। तुमको उस पर चर्चा करने से क्या फायदा है, चुनाव लड़ोगे? जेसीबी की खुदाई देख रहे हो खड़े होकर 2.5 घंटा, बहुत गहरा खोद रही है। जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। लिख लो, न्यूटन का नियम है, जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। क्योंकि समय तुम जहां खर्चा करोगे, एक पैसा तुम खर्चा कर रहे हो उसके बदले में कुछ आ रहा है। जूस पी लिए, शरीर को ताकत मिल गई, बीड़ी पी लिए। जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। वो दिल्ली पढ़े, कलकत्ता पढ़े, न्यूयॉर्क पढ़े, लंदन पढ़े, मार्स में पढ़े, एंड्रोमीडा पे चला जाए, कोई फर्क ही नहीं है।